भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जी। इस तरह के जो अपराधी होते हैं, बहुत मुश्किल होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था को संभाला, और जब से सरकार में योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी, बीजेपी सरकार में आई, उसके बाद से हमने देखा कि कई ऐसे अपराधी जिन्हें ठिकाने लगा दिया गया और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई। अभी आप, क्योंकि मुख्तार की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनके साथ गलत हुआ, जिनके साथ कई ऐसे मामले थे, जिनके परिवार के लोगों के साथ, चाहे वो अतिक्रमण के हो, बहुत सारे ऐसे मामले, तो उन लोगों में अब खुशी है। ओपी सिंह जी, देखिए बिल्कुल सही है कि मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर था, एक राउडी एलिमेंट था और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एमएलए रहा है, पॉलिटिशियन रहा है, और उसको मैं पिछले 30 वर्षों से जानता हूं। कई बार ऐसे मौके आए जिनमें पुलिस का उसके साथ इंटरोगेशन हुआ, आमना सामना हुआ, और मैं समझता हूं कि मैं नहीं कहता कि क्या उसे सजा मिली और क्या नहीं मिली, ये तो कुदरत का ही हो सकता है, भगवान उसको अपनी ओर से देखते हैं, लेकिन एक गैंगस्टर होने के नाते उसकी जो मौत हुई है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से, मैं समझता हूँ, अभी तो पोस्टमार्टम होना बाकी है, पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मुख्तार अंसारी एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, उसे अभी हाल ही में सजा भी हुई है और उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं। उसका सबसे बड़ा ये है कि वो जिस प्रकार से इन लोगों की संपत्तियां हड़पता था, अपने गैंग्स को चलाता था, और जब से योगी सरकार आई है 2017 से, तब से हमने देखा है कि योगी सरकार ने एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स, इस प्रकार की नीति अपनाई गई है। मुझे याद है 2018-2019 में जब मैं डीजीपी था उत्तर प्रदेश का, तो हम लोगों ने कई बार पंजाब सरकार को और पंजाब पुलिस को पत्र लिखा कि मुख्तार अंसारी जो उस समय रोपड़ के जेल में बंद था, और एक बहुत ही मामूली मुकदमे में उसने वहां पर अपने अरेस्ट को करवा लिया था, और उसके कारण वो प्रोसिक्यूशन से, ट्रायल से बचता रहा, और वही कारण है कि हम लोगों ने कई बार, मुझे खुद याद है कि मैंने पत्र लिखा था वहां के मुख्य सचिव को, डीजीपी को, और कई बार रिक्वेस्ट किया कि उसे भेजा जाए, और उस समय भी मुख्तार अंसारी अपने मेडिकल स्थिति का बहाना लेकर कि हमारी स्थिति बहुत, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे वहां न भेजा जाए, उसे ये भी आशंका थी कि उसे मार दिया जाएगा, जो कि आशंका एकदम निर्मूल थी। हम लोग इस तरह का वो नहीं होता है कि किसी को इनकाउंटर में, फॉल्स इनकाउंटर में मार दे, लेकिन उसे ये भय था, लेकिन भय से ज्यादा जरूरी था इस बात को देखना कि उसने कई बार अपने मेडिकल एप्लीकेशन सीएमओ से लिखवा कर उसने ये दलीलें दी कि हमें, हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तार अंसारी कई वर्षों से और कई महीनों से उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रही है, हालांकि प्रिज्म मैनुअल के अनुसार उसे हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर उसे देखते रहे होंगे, लेकिन कल इस तरह का वाकया हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई, और मैं समझता हूँ कि इसे बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक गैंगस्टर की मौत हुई है, उस गैंगस्टर की जिसने कई वर्षों से लोगों को सताया है, लोगों को परेशान किया है, लोगों को सताया है, उनके बीच डर का माहौल कायम किया है। ओपी सिंह जी, आप बने रहिए।